जस्ट नाइटमेयर विद मी यू कैन से। मेरे को कुछ भी आता जाता नहीं है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। मेन स्ट्रीम में मैं गा नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स, यू नो। We're all kind of like challenging each other. So Annabelle was challenging Dad, Dad was challenging me. तो सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ, बोलता है भाई आज इज्जत बचा लेना। पहला एंट्री लेने के बाद सब गर्म हो जाता है, पब्लिक भी गर्म, मैं भी गर्म। वो लड़की ने मेरे को शादी कर लिया था, हाँ मेरे फोटो के साथ शादी कर लिया था। Fever 104 FM, this is the Tricky Singh show. लोगों को honored feel होता है ना, आज मेरी उस feeling को भी honored feel हो रहा है, because मेरे साथ दी कुमार शानू जी and I have Shannon K. Welcome to the show. Thank you. सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मैं जैसे ही एंटर किया ये घर में, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी आर्टिस्ट के घर पे एंटर किया है जिसमें मुझे इतने सारे अवार्ड्स एंड एक्लेड्स दिखे हैं। तो मैं तो बाहर से ही फोटोज खींचना शुरू हो गया, बीइंग द फैन दैट आई एम, एंड आई सी अ लॉट ऑफ फैन आर्ट ऑल्सो हियर। आपने कई सारे फैन के भी आर्ट को यहाँ पे संभाल के रखा है, अपने घर में सजा के रखा हुआ है। काफी सारे फैंस का जो दिया हुआ चीज है, हाँ जी, उसमें से कुछ चीज़ ऐसा होता है, लगता है कि मेरे को भाई इसको रखना चाहिए, ये बहुत उम्दा बनाया हुआ है। बहुत उम्दा शॉट्स भी हैं, जैसे वहाँ पे आपकी फोटो है जो सबसे, हाँ वो फोटो है, आपके पीछे भी फोटो है, हाँ जी, ये भी किसी का दिया हुआ है, वो भी किसी का दिया हुआ है, बनाया हुआ। सो हाथ पेंटिंग, हैंड पेंटिंग ज़्यादा हमको पसंद आता है, हाँ जी, तो उस हिसाब से रखता हूँ बस। एंड जैसे कि मैं कह रहा था कि सबसे पहले मैं कॉमेंट्स रीड करता हूँ, एंड आई सॉ सच ब्यूटीफुल कॉमेंट्स देयर, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आर यू गेटिंग? Amazing responses, amazing feedback, and I'm so grateful and thankful to all the listeners and fans out there who've enjoyed the music so far. You know, it's trending on social media, so you know that was something that was totally unexpected. What was the process like? Was Dad very strict with you when it came to, you know, the song being made and just nightmare with me, you can say, because in this song, especially क्या है कि मैंने पहले ही ना कर दिया था, हाँ जी, क्योंकि देखो इंग्लिश तो मैंने गा लिया, इंग्लिश तो बोल भी लूँगा, थोड़ा बहुत कर भी लूँगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एक्सेंट जो है ना, अमेरिकन एक्सेंट, वो कहाँ से लाऊँगा? ये लोग बचपन से वहाँ पे पले बड़े, लंदन में स्कूलिंग वगैरह सब, म्यूजिक का सारा कुछ वहाँ पे करके वो अमेरिका गया, अमेरिका में जाके कॉलेज वॉलेज एवरीथिंग, स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ, तो ये इन लोगों का जो एक्सेंट है वो एक्सेंट मैं कहाँ से लाऊँगा? मेरी छोटी बेटी जो है एनाबेल, शी इज़ वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, ज़िद्दी, अच्छा बहुत ज़िद्दी है वो, बोलते डैडी आपने 26 लैंग्वेजेस में तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम तक आपने गा दिया इतना, तो ये गाने में क्या प्रॉब्लम है, स्पेनिश तक गा दिया आपने, हाँ हाँ। तो मैंने बोला, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई, मतलब एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा, हाँ जी, एंड शी डिक्टेड मी लाइक, बस थोड़ा सा उनका बात मानना पड़ता है, कन्विंस कर ही लिया आप घर में, घर में थोड़ा सा उसका चलता है ज़्यादा, अच्छा, तो उसके बाद मानना पड़ा, एंड आखिर में गाने के बाद मेरे को लगा कि भाई तो मैं कर दिया, गाना गा दिया। फिर जब पब्लिक का कमेंट्स वगैरह आ रहा है, और इतना दिन 4 मिलियन के आसपास हो गया, हाँ जी यस, तो फिर और थोड़ा सा कमेंट्स देख के और थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है, एंड मुझे लगा कि हाँ कुछ कर लिया मैंने। बट नाउ दैट यू सी कि आपकी दोनों डॉटर्स जो हैं उनका सॉन्ग आ रहा है, तो एज अ फादर कहीं नर्वसनेस होती है? अरे मैं जिंदगी भर सबको नर्वस कराया रिकॉर्डिंग में, फर्स्ट टाइम मैं नर्वस हुआ ये गाना गाते टाइम, हाँ जी, फैन नर्वस हुआ, अरे लोग मजा ले रहे थे उसका। इट्स ऑल्सो इट्स बीन 4 डेज एंड अभी वो ट्रेंड कर रहा है, 3-4 दिन में वो इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंड कर रहा है, तो व्हाट्स द फीलिंग लाइक, बिकॉज इंस्टाग्राम इज अ प्लेस जहाँ पे आजकल का यूथ ही नहीं सब लोग हैं, मतलब एक तरह से ऐसा हो गया कि अगर कोई बोलता है कि सोशल मीडिया पे आप नहीं हो तो खुद को ऐसा मिस आउट वाली फीलिंग आने लग जाती है, तो हाउ आर यू फीलिंग दैट अ प्लेटफॉर्म दैट बिग इज हैविंग योर सॉन्ग एज ट्रेंडिंग? It, like I said, it was so unexpected for, you know, for the song to be trending, and I think like the fact that it hit everybody's hearts and it was so relatable because of the topic that we chose, I think everybody could relate to it very much and resonate their lives with it. And your dad just said that he was nervous, he stole his part. Mm-hmm. I'm going to be asking you the same thing, how nervous were you or are you right now with the whole you know, song being out and you getting all the views? I'm nervous right before I release a song or right before any of my projects come, you know, in front of the world. And then after that, I'm like, I slowly sneak in, I do a little peek, you know, at the social media, seeing like if everything is going well or not. Just a sneak peek. Are you usually away from social media?
I tend to be. Oh, wow. Yeah, I'm not really much of an influencer as a lot of people would, you know, title right. themselves. So I kind of, I don't know if that's me just being lazy or I want to be in the artistic side, just creating music and stuff. But yeah, I mean, once in a while, you know, I just kind of go through and scroll and stuff. I love watching like food videos on there. So I prefer doing that. And how far are you from social media or close to it? मेरे को कुछ भी आता जाता नहीं है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फैंस है ना वो बहुत दुखी था जी। वो लोग बोलते कि दादा आपका गाना नहीं सुन रहा है, मिल रहा है आपका गाना, क्योंकि फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, फैंस इतना ज़्यादा फैंस है मेरा, एंड वो लोग सुनना चाहते थे। मैं बोला कि चलो अगर मेन स्ट्रीम में मैं गा नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स यू नो, सो दैट्स वाई कि मैंने सोचा कि एक ये बीड़ा मैं ही उठाता हूँ। एक यूट्यूब चैनल मेरे को सब लोगों ने सलाह दी, यूट्यूब चैनल खोलो और उसमें तुम 90s के जो गाने हैं, गुड लिरिक्स एंड गुड कंपोजिशन लेके आके उसको तुम रिलीज करो। यू आर कैपेबल टू सिंग अप टू डेट, मतलब आप टिल टुडे। एब्सोल्युटली सर। सो व्हाई नॉट। तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक बार ट्राई करते हैं, करके यूट्यूब किया एंड उसके थ्रू। ये छोड़ के मेरे को सोशल मीडिया का ना तो मैं क्या होता है फेसबुक हैंडल कर सकता हूँ, ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल करता हूँ, कर सकता हूँ ना, कुछ भी नहीं। पर अब जब चैनल आ गया सारा सब इसके मामी हैंडल करते हैं। तो अब जब ये यूट्यूब पे चैनल आ चुका है तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं व्यूज चेक करता रहूं। वो एक ही मेरे को ऐप डाउनलोड करके देखे गया था वो लोगों ने, मैं उसको दबाता हूँ तो यूट्यूब में दिखता है कितना सब्सक्राइबर हुआ, कितना व्यूज हुआ। वाह। तो वो बड़ा मजा आता है देख के। तो फटाफट हो गया बहुत सारा एंड हो रहा है। अभी तो रेगुलर गाना रिलीज होते रहते हैं एंड अभी नेक्स्ट सॉन्ग मेरा 28 को शायद 18 को एक रिलीज होगा, 18th को, फिर 29th को एक गाना रिलीज होगा। तो इस महीने में दो गाना और रिलीज होने वाला है। एंड शैनन आई वांट टू आस्क यू नाउ, ही सेड कि वो काफी नर्वस थे बट बिहाइंड द सीन्स कुछ मस्ती हुई, बिहाइंड द सीन्स वर देयर एनी फनी मोमेंट्स जब कुमार जी रिकॉर्ड कर रहे थे? Yeah, there were plenty of funny, you know, experiences. I mean, uh-huh. We were all kind of like challenging each other. So Annabelle was challenging Dad was challenging me. We were just playing, like we swapped each other's roles and everything. And it was really fun. And we did a little, you know, video as well. Uh-huh. And we did just some BTS shots and stuff. And I remember we both were like sitting on a chair and we started like playing tag with each other, just pushing each other's out of the chairs. And he was like, I'm done. I'm not singing another time, because we wanted him to sing like the second verse or something. He was like, no, that's it, I'm coming out, we're done. But there was another verse as well. Yeah, we were planning to, but he was like, I'm done, this is all you're gonna get. और एक अंतरा था, मैंने उसको मना किया, मैं बोला नहीं आप मेरे से और नहीं होगा, अभी तुम लोग करो। तो इन्होंने आपको अंतरा के लिए भी पुश किया और ऐसे भी पुश किया। हाँ, एंड द सीन्स। अरे बाप रे, जो उस दिन जो हुआ रिकॉर्डिंग में, एंड लेकिन ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन्स अपलोड किया जाएगा, विल इट बी अपलोडेड? Yes, hopefully soon. इनके पास होगा शायद. Yeah, we're just letting people enjoy the music first, and then gradually we'll post some of our BTS. and about working with your sister, how was that process like? Because I know for a fact that जितने भी siblings होते हैं while growing up, they have a lot of quarrel amongst themselves also. Very tough. Very tough. She is very tough. She is very tough. Her composition also very tough. You've seen her the composition. हाँ जी हाँ जी. It's beautiful. एंड सुनने में आसान लगता है लेकिन गाने में तो बहुत कुछ होता है। तो आपस में डिसएग्रीमेंट्स हुए थे दोनों बहनों के बीच में, ऐसे मस्तियां हुई थी? Yeah, usually I kind of want to sing it in my style, but she has her own like vision. So it's always that sort of back and forth argument, but it's all in good faith for, you know, the music creation. And sometimes I get to convince her, sometimes she kind of just says, she directed like, the video also. Yeah, she's super, super talented, and she's exactly like Dad. She's super adamant. She's like, you know, she needs persistence. And like, you know, she needs it everything to be perfect. जब भी आप perform करते हो या कोई नया project शुरू करते हो, उसके पहले कोई traditions होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है जो आप ध्यान में रखते हो? जैसे अगर आप stage पे भी जा रहे हो, उससे पहले आप कुछ make sure करते हो? हाँ हाँ। क्या है? जैसे कि वो जैसे कि मेरा कुछ भगवान है, उस भगवान का नाम लेता हूँ सबसे पहले, सबको प्रणाम करता हूँ, बोलता है भाई आज इज्जत बचा लेना। हाँ जी। ये तो मैं 100% करता हूँ और मेरा हाथ बात सब ठंडा हो जाता है पहला एंट्री से पहले। ओके। पहला एंट्री लेने के बाद सब गर्म हो जाता है, पब्लिक भी गर्म, मैं भी गर्म। एंड सबसे क्रेजी वाला फैन इंटरेक्शन कोई स्टोरी है आपका? फैन इंडिया में एक
फैन एक लड़की थी जिसका नाम था क्या पंखीड़ा, वो आपको नाम, हाँ नाम भी याद है मेरे को क्योंकि वो लड़की ने मेरे को शादी कर लिया था, हाँ मेरे फोटो के साथ शादी कर लिया था। अच्छा। हाँ एंड वो पहले तो वो खून से अपना चिट्ठी लिखा था, पहले अपना उंगली से पेन दबा दबा के उसमें पूरा चिट्ठी लिखा था। एंड वो आफ्टर दैट वो शादी कर लिया, वो बोलता है आप करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं करता हूँ, मैं शादी कर लिया। तो वो शादी भी कर लिया था मेरे को, फिर बीच बीच में कभी कुछ धागा भेजते थे, कभी सिंदूर भेजते थे, मैं तो रिस्पॉन्स नहीं किया डर के मारे, मैं बोला हाँ तो मैं बोला नहीं। लेकिन वो लड़की ने करीब 14-15 साल तक मेरे को ऐसा फैन लेटर एंड जो शादी कर लिया उसका सब चीज़ दिखाते रहते थे फोटो में कि शादी कर लिया। तो मैं अभी क्या करें, अभी ऐसे फैन भी होता है पागल।